नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत सामने आई है और इस बार वहां की सेना ने नहीं बल्कि वहां के आम लोगों ने हरकत को अंजाम दिया है। भारतीय सीमा पर जीरो लाइन पर मौजूद भारतीय किसानों को एक बार फिर से परेशानी उठानी पड़ी जब पाकिस्तानी लोगों ने आम भारतीय किसानों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन पाकिस्तानी सीमा में ले जाने की कोशिश की। आपको बता दें, आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख रहे हैं। आज भी भारतीय सीमा पर मौजूद किसानों को पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पंजाब के कई किसानों की जिंदगी दोनों देशों की सीमाओं पर लगी कटीली तारों के बीच फंस चुकी है। सरकार ने घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए लगभग 550 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीले तार लगाने का फैसला किया था। ये बात सीमा से पहले भारतीय सरजमी पर लगाई गई, जिसकी वजह से किसानों को अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए कड़ी सुरक्षा की निगरानी में तारों के दूसरी ओर जाना पड़ता है। बाढ़ के दूसरी तरफ एक कच्चा रास्ता है जो दोनों देशों के बीच की सीमा को दर्शाता है और उसके बाद पाकिस्तानी किसानों के खेत हैं। सीमा पर मौजूद इन खेतों में जाने के लिए किसानों को सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल बाढ़ के उस पार जाने वाले किसानों की तलाशी लेते हैं और फिर वहां जाकर खेती करने की इजाजत दी जाती। भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहा है। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।